नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सी टेट मैथ में आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। आयु संबंधी प्रश्न का ये चौथा एपिसोड है, चौथा भाग है। इस भाग में भी हम लोग बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स के द्वारा कैसे बनाया जाएगा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ जो भी प्रश्न हैं सभी अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए सभी को अच्छे से ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, राम श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष हो तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है तीनों का, राम श्याम मोहन, तीनों का ये अनुपात है। और जो आयु का योग है यह राम और मोहन का ही है, श्याम का इसमें जोड़ा नहीं गया है, लेकिन हमको श्याम का आयु निकालना है। तो क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में हम लोग इसके पहले भी देखे थे कि जिसका जो अनुपात दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। राम श्याम मोहन, ये तीनों का अनुपात 4:5:7 है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर राम और मोहन का जोड़, ये राम और मोहन का आयु का योग दिया हुआ है लेकिन श्याम का नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमको श्याम के जो हिस्सा है, श्याम का अनुपात जो है, इसको कुछ नहीं करना है। एक कहावत है दोस्तों, यानी जिसको हम कह सकते हैं, जिसका जो है उस वही ना उपयोग करेगा। तो ये राम का है और मोहन का, ये दोनों का मिला हुआ है, तो यहाँ पर जो हम लोग उपयोग करेंगे सो केवल और राम और मोहन का। चूंकि यहां देखिए, राम व मोहन की आयु का योग, राम व मोहन ये दोनों का ही योग दिया हुआ, राम और मोहन का। तो हमको श्याम को छोड़ देना है, चूंकि तीनों का जोड़ा नहीं गया है, दो का ही जोड़ा है, राम का और मोहन का, ये दोनों को जोड़ने पर 88 वर्ष है। तो इसके अनुपात को जोड़िए। एक चीज हम बताए हैं कि जब अनुपात को जोड़ेंगे तो इसमें एक्स वाई या दोनों में से कुछ ना कुछ अंग्रेजी अक्षर दे करके जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 4x और यहाँ 7x, ये दोनों को जोड़ेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। तो 4x जोड़ 7x बराबर होगा 88, चूंकि ये दोनों का योग कितना बता रहा है, 88, इसलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 88 होगा। अब इसको 7 और 4 कितना हुआ, 11। 11 अनुपात बराबर 88, इसलिए 1 अनुपात बराबर, यानी x बराबर, ये दोनों कट जाएगा। आप चाहें तो यहां पर भी डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं होता। कैसे होता, 7 और 4 11, x बराबर 88, 11 x बराबर 88, 11 8 88, एक्स बराबर कितना निकल गया, 8, एक लाइन में। तो एक्स मेरा 8 निकला। अब चलिए, जब एक्स निकल गया यानी 1 अनुपात बराबर 8 निकला, लेकिन श्याम का कितना अनुपात है, 5, क्योंकि हमको श्याम का आयु अब निकालना है। हमारा एक्स निकल गया, अब हमको देखना है कि प्रश्न में किसका आयु पूछा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि श्याम की आयु कितनी होगी, तो श्याम का अनुपात कितना है, 5, यानी 5x। 1x का वैल्यू 8 निकला, तो 5x का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 × 8, ये गुना कर देंगे, 5 × 8 = 40, ये आपका 40 साल हो गया, किसका, श्याम का, श्याम का निकल गया। दूसरा देखिए, इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। इस लाइन को फिर से पढ़िए,
एक पिता की आयु पुत्र से चौगुनी है। पुत्र छोटा होता है और पिता बड़ा होता है। कभी कभी हमको अपने से सेंस भी लगाना पड़ता है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ जिससे से कहेगा उसमें चार गुना गुना करना पड़ता है। यदि इसको हम अनुपात में लिखें तो ये हो जाएगा 4:1, यानी पुत्र जब 1 साल का है इसका 4 गुना उसका पिताजी है। यहाँ चौगुनी लिखा हुआ है, तो ये अनुपात में लिखेंगे तो पिता और पुत्र का 1 भाग और पिता का 4 भाग के बराबर होगा। यदि 6 वर्ष बाद का योग, यहाँ देखिए यहाँ पर वर्तमान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्तमान का अनुपात, और ये जो योग दिया हुआ है यह 6 वर्ष के बाद का है। इस पर बहुत ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अनुपात आपका अलग है और जो योग दिया हुआ अलग है। मान लीजिए आपको हम कह दें कि 5 लीटर दूध और जोड़ दो 5 घंटा, क्या ये जुटेगा? नहीं, क्योंकि ये दूध है और ये घंटा है, एक जैसा दोनों नहीं है, तो ये जुट नहीं सकता। एक जैसा रहता तो जोड़ते, इसको कैसे जोड़ पाएंगे? तो इसी तरह से यहाँ जो आपका ये जो आयु दिया हुआ है ये वर्तमान है, लेकिन जो योग दिया हुआ है यह है 6 वर्ष बाद का। जब 6 वर्ष बाद का है तो बाद से हम वर्तमान में ला सकते हैं, बाद से हमको वर्तमान में लाना पड़ेगा। वर्तमान में लाकर जब दोनों एक जैसा हो गया फिर हम काम करेंगे। जैसे देखिए, वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए अभी जैसे राम का उम्र 15 साल है, श्याम का उम्र 20 साल है, तो 6 वर्ष कितना होगा? 6 वर्ष के बाद में जब राम का 6 साल बढ़ेगा तो 21 साल हो जाएगा, तो श्याम का भी तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि राम का उम्र बढ़ गया और श्याम का उम्र नहीं बढ़ेगा, सो उम्र तो साथ साथ बढ़ेगा। जितना इसमें जोड़ेंगे, 6 वर्ष के बाद यदि हमको निकालना है, 6 इसमें भी जोड़ेंगे तो 6 वर्ष इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। और यदि इसके 6 वर्ष पहले निकालना हो तो 6 वर्ष इसमें भी घटाएंगे और इसमें भी 6 वर्ष घटाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा योग दिया हुआ है ये दोनों लोगों का 6 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान निकालने के लिए हमको दोनों में से 6 6, ये पुत्र वाला बेटा में भी 6 साल घटाना पड़ेगा और बाप का भी 6 साल घटाना पड़ेगा। दोनों के उम्र में 6 6 साल घटाना पड़ेगा, यानी 6 और 6 12 साल घटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 साल हम घटा दिए तो मेरा ये वर्तमान आयु निकल गया। इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कि ध्यान रखना है कि यहाँ वर्तमान दिया हुआ था और प्रश्न में आपका 6 साल बाद का दिया था, इसलिए हमको वर्तमान निकालने के लिए दोनों का 6 6 साल घटा देना पड़ा। तो दोनों का योग 50 हो गया। अब इसी में पिताजी का 4:1 और बेटा का 1:1, दोनों के अनुपात को जोड़ेंगे तो 50 होगा। 1:1 हमको निकालना है, यानी एक्स निकालना है, तो 5 ये यहाँ गुणा में था, भागम हो जाएगा, कट गया, 10 आया, यानी एक्स बराबर 10। अब हमको यहाँ प्रश्न, अब चलिए एक्स निकल जाने के बाद हम लोग अंतिम पर चलते हैं। अंतिम पर चलते हैं कि किसका पूछा है, पिता का वर्तमान आयु पूछा है, किसका? पिता का। यहाँ पर उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्तमान आयु। तो ये जो मेरा निकला ये तो वर्तमान निकला, चूंकि हम यहाँ वर्तमान आयु घटा के कर लिए। तो वर्तमान जब x बराबर 10 निकला और वर्तमान में पिता का हिस्सा है 4x, यानी 4:1 है, तो 4x बराबर x का वैल्यू बैठा दीजिए, ये आपका 4 × 40 क्या होगा, पिता का उम्र 40 वर्ष। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो अनुपात दिया है ये अनुपात वर्तमान था और जो उम्र दिया था ये 6 वर्ष बाद का दिया था, 6 वर्ष बाद का दिया था। तो यहाँ पर जोड़ घटाव गुना नहीं हो सकता। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग देखें कि 5 लीटर दूध में हम कहेंगे 5 घंटा समय को जोड़ो,
तो ये जुट नहीं सकता। उसी तरह से यहाँ पर आपका अनुपात है वर्तमान का और आपको उम्र दे दिया था 6 वर्ष बाद का, तो जो 6 वर्ष बाद का था इसको हम पहले वर्तमान में हम लोग ले आते हैं। वर्तमान में लाने के लिए इसका भी 6 साल और इसका भी 6 साल घटा दिए तो ये वर्तमान आ गया। अब ये 4 अनुपात और 1:5 बराबर हुआ 50, तो 1:10 निकला। और पिता का उम्र हमको पूछ रहा था, पिता का उम्र है 4 अनुपात, तो 4x = 4×10 = 40 निकल गया। ये 10 यहाँ वाला जो x निकलता ही ना आता है। अब हम लोग अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। यहाँ वर्तमान दिया हुआ है, यहाँ वर्तमान शब्द दिया हुआ है और यहाँ आयु का योग दिया हुआ है। तो ये दोनों वर्तमान है तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। तो हम एक तरफ चूँकि सीता पहले सीता लिख दिए, गीता बाद में गीता लिख दिए, ये 8:9 है, 8:9 हम लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ने पर 68 होता है, दोनों के अनुपात को जोड़ेंगे तो 68 होना चाहिए। तो 8x और 9x दोनों को जोड़ेंगे 68 हुआ। ये 8, 9, 17, 17 × 68 कट गया, 1:4 निकला। 1:4 कितना निकला? 4। तो यहाँ पर अब हमको देखिए क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का पहले वर्तमान निकाल लीजिए। सीता का उम्र है 8:1, 1:4, 1:4 है, तो 8:8 × 4, तो 8×32 सीता का हो गया। गीता का 9:1 है, तो 9×4, 9×36। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा था अनुपात 10 वर्ष बाद, इस पर ध्यान देना है। पूछ रहा था 10 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद ये दोनों का निकाल लेना। ये जो निकला मेरा ये है वर्तमान का, ये कब का निकला है? वर्तमान का निकला हुआ है। जब वर्तमान का निकला हुआ है दोस्तों, तो आप अभी से 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो दोनों में हमको 10-10 साल क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो इसमें 10 साल जोड़ दिए 42 हुआ, इसमें 10 साल जोड़ दिए 46 हुआ। अब देखिए अनुपात में लाने के लिए छोटा करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो गया, 21 और 23 आया। अब इससे छोटा कैंसिल नहीं हो सकता है, इसलिए इसका अनुपात 21:23 आंसर होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, साथ में यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कल से हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में आप लोग यदि PDF लेना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे Ctet 2019, मैं अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा। दोस्तों अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, इस कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं रात को आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ। होमवर्क आपका 7 मार्च या 8 मार्च के बाद से आप लोगों को रेगुलर होमवर्क मिलेगा, और साथ ही साथ आपका जो होमवर्क होगा उसका कॉपी भी चेक होगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग केवल वीडियो से काम चलाएं, और 7-8 मार्च के बाद से आप लोगों का EVS वगैरह जो भी सब्जेक्ट हो रहा है, हिंदी, EVS, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट का एक दिन में 2-2 वीडियो बनेगा, और कम से कम ये जो है 30-30 मिनट का दोनों बनेगा। एक दिन में 30-30 मिनट का 2 मिलेगा और साथ में होमवर्क भी मिलेगा। इसलिए मेरे साथ आप लोग बने रहें, धैर्य रखें, सभी के साथ काम आता है। मेरे भी साथ अभी बहुत सारा काम पड़ गया है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, इंटर एग्ज़ाम को लेकर, जिसके चलते समय कम बच रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और साथ साथ में आप लोग जान ही रहे हैं कि मुझे DLED का, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। साथ में PDPT, इसका चूंकि इन लोगों का कहना है कि बीच में हम लोग कहाँ जाएंगे सर, यदि आप वीडियो बनाने छोड़ देंगे तो हम लोग बीच में कहाँ जाएं। इसलिए अब इन लोगों का भी एग्ज़ाम नज़दीक है, उसके बाद कोई काम रहेगा नहीं, केवल CTET रहेगा, और CTET पूरा का पूरा
ध्यान से हम लोग करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए होंगे तो, और बेल आइकन बटन को दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।